प्रत्येक वर्ष के पहले महीने मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को मनाया जाता है। इस साल लीप वर्ष के संयोग से सूर्य 15 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश कर रहा है, इसलिए मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाएंगे। पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक अनीस व्यास ने बताया कि उदया तिथि 15 जनवरी को प्राप्त हो रही है, ऐसे में सूर्यास्त के बाद राशि परिवर्तन के साथ ही इस साल मकर संक्रांति का पुण्य काल 15 जनवरी को रहेगा। इस वर्ष मकर संक्रांति अश्व पर बैठकर आएगी, यानी उनका वाहन अश्व व उपवाहन सिंह होगा। वही बताया कि सूर्य का मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी को रात्रि 2:42 हो रहा है और उदय काल के महत्व को जानने के लिए 15 जनवरी को सूर्य उदय होने पर मकर संक्रांति का मानना शुभ होगा। पौष मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि सतविष नक्षत्र के शुभ सुबह से ही पुण्य काल का प्रारंभ हो जाएगा। संक्रांति का पर्व 2024 में 15 जनवरी को मनाया जाएगा। इस बार 365 की जगह 366 दिन यानी लीप ईयर 2024 है और सूर्य धनु राशि से मकर राशि में 14 तारीख को अर्धरात्रि 2:42 पर प्रवेश करेंगे। इसी के कारण उदया तिथि के हिसाब से मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। मकर संक्रांति पर नदियों में तालाब पर स्नान करने और दान पुण्य करने का दिन होता है और मकर संक्रांति पर हमें गरीबों को वृद्ध को अपाहिज को दान देना चाहिए और जानवरों के लिए हरा चारा पानी दाने की व्यवस्था करनी चाहिए।